रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकास खंड अंतर्गत ग्राम बांसजोर में स्थित सरकारी स्कूल के एक कमरे की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर गिर गया। आज दोपहर विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में हुई इस घटना के समय क्लासरूम में कोई नहीं था, इस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके बाद एक तरफ जहां स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के अभिभावकों में डर का माहौल बना ही है, वहीं स्कूली बच्चे भी अब स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद स्टाफ और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर मंडरा रहे संभावित खतरे को भांपते हुए स्टाफ सदस्यों ने एक पंचनामा तैयार कर इसकी जानकारी भी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी, लेकिन इसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए मजबूरी में इसी स्कूल के भवनों में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसे स्कूली बच्चों के ऊपर खतरा बना हुआ है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली, उनकी मॉनिटरिंग पर सवाल उठना लाजमी है। परिचय बताएंगे। विजय कुमार गुप्ता, जी देखा गया कि जो छत गिरने का मामला है, कब का मामला है और किस परिस्थिति में आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं? ये शुक्रवार को, मतलब जब पेशाब की छुट्टी हो गई थी, बच्चे कमरे में कोई नहीं थे, मैं शिक्षक भी हूँ, मतलब अचानक ये एक आवाज़ आई और देखे तो छज्जा गिरा हुआ गिर गया। सर देखा जाए जहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं कुर्सी भी टूटा हुआ है? जी सर, वहीं पर मैं शिक्षक बैठते हैं सर, और उसी जगह बच्चों तरफ नहीं गिरा है, मतलब जहाँ शिक्षक ब्लैक बोर्ड के पास ही गिरा है। बच गए बाल बाल, ये कह सकते हैं। जी सर, छुट्टी था, सब कोई बच्चे क्लास के अंदर नहीं थे ना, शिक्षक भी नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ सर, हो सर, देखा जा रहा है कि रूम का पूरा जर्जर हालत है, हादसा कभी भी हो सकता है, तो ऐसे में उच्च अधिकारी को सूचना दिए होंगे? जी सर, मैं अपने समन्वयक को तुरंत फोन किया और पार्षद महोदय को भी फोन किया, सर समन्वयक भी आए थे देखे उखे, और मुझे जो दिशा निर्देश दिए कि यहाँ क्लास उस कमरे में बिल्कुल न बैठाइए, ताला बंद कर दीजिए, और तो मैंने उसे कमरा को बंद कर दिया। अभी भी सर इस भवन में पढ़ाई चालू है? जी सर, कितना डर लगता है सर? जी जी, अभी बरामदा में और एक कमरा में बैठा रहा हूँ। तो यहाँ भी छज्जा गिर रहा है सर? नहीं, छज्जा यहाँ पर इधर नहीं गिरा है सर, उसके बाद मैं अपने छज्जा को चेक किया, कहीं पर और कोई गिरने वाला तो नहीं है। तो डर नहीं लगता सर यहाँ पढ़ाई करने? डर तो सर, अब कमरा तो है, डर तो बनी है। रोशनी बड़ा, कौन से क्लास में बेटा? चौथी। छज्जा गिरा था उस दिन, कहाँ थे तुम लोग? हम बाहर खेल रहे थे पेशाब की छुट्टी। तो कितना डर लगता है यहाँ पढ़ने में? बहुत डर लगता है, तो यादव है। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? पांचवी क्लास में पढ़ता हूँ। ये जो छज्जा गिरा है उस टाइम थे, क्या मामला है पूरा बताओ तो। उस टाइम हम लोग इधर बाहर खेल रहे थे, पेशाब की छुट्टी था, उस टाइम वो गिर गया, फिर हम लोग देखने गए उसको। ठीक, तो डर नहीं लगता है पढ़ाई करने में? इस स्कूल में हम लोग को पढ़ाई करने में वहाँ डर लगता है। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।